चलगुसा प्रखंड अंतर्गत सलैया डी के पास 20 से 25 बोरा चावल पानी में फेंका गया है। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई है। जब ग्रामीण फुटलाही तालाब के पास पहुंचे तो ग्रामीणों ने देखा कि तालाब में 20 से 25 बोरा चावल फेंका हुआ है और यह चावल लगभग 3 से 4 दिन पहले तालाब में डाला गया है। तालाब में चावल देखने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि उचित जांच हो और कार्रवाई कर उचित आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिया जाए। हम एक हम अपना नाम भी आप बोलिए। मैं बलदेव प्रसाद मनोरमा पब्लिक हाई स्कूल का डायरेक्टर हूँ। मैं कल सुबह सुबह ग्राम सलेडी निवासी हूँ। मेरे साथ सुबह सुबह मैं और महावीर सिंह शौच के लिए निकला तालाब के लिए, तो इधर आने के बाद हम लोग देखे कि इधर से कुछ चावल वगैरह इधर बिखरे, बहुत सारा बोरा का नजर आया। तो मैं बोला कि महावीर दा, लगभग कुछ चावल जो है ये मतलब ऐसा तो नहीं होनी चाहिए कि 4-5 बोरा कोई फेंक दे, अगर किसी को ही लग रहा है। तो ये बोले कि बात सही कह ली। तो हम के जब घूम तो आके देखने लगे तो बहुत सारा बोरा इधर अंदर, हम लोग घुसे 5-7 बोरा था। तो मैंने बोला कि ये हो ना हो किसी का किसी तरह से कुछ अवैध है। अगर किसी का चावल पर्सनली होता तो खुला ओपन बोलता बेचता या कुछ करता, मैं तो फेंक देता। सरकारी बोरा में? हाँ, सरकारी मार्का वाला बोरा। बिल्कुल। तो इस तरह का चीज हमको लगा कि ये जो है चावल जो है पीडीएस का जो है नजर आया। तो सुबह सुबह दूरभाषा के माध्यम से पता चला कि फुटला हार में लगभग 15-20 बोरा चावल डाला हुआ है। और जब हम स्थल पर आए तो सच में देखे कि चावल डाला हुआ है। लगता है एक सप्ताह के अंदर ही चावल डाला हुआ है। और ये चावल निश्चित तौर पर सरकार का ही, देखने से सरकारी चावल है, चाहे पीडीएस दुकान का हो या पीडीएस गोदाम का हो या स्कूल का हो या प्रवासी मजदूर के लिए पंचायत भवन में आया था उसका हो, किसी न किसी कहीं न कहीं ये जांच का विषय है। इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो गरीबों का निवाला डाला गया है उसकी जांच करके कड़ी से कड़ी उनको कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से होना चाहिए। आपके सलैडी के फुटला यहाँ में भारी मात्रा में चावल तालाब में पाया गया है, आप इसको कैसे देखे और इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, आज सुबह सुबह जो है हमको मोबाइल के माध्यम से जानकारी दी गई। हम लोग यहाँ पर आए तो पता लगाए तो ग्रामीणों के द्वारा जो है तो प्रत्येक दिन यहाँ आ करके नहाना धोना और भी पानी का जो जरूरत होता है उसका काम करते थे लोग। किसी ग्रामीण का नजर पड़ा, हम लोग को सूचना मिली, आकर के यहाँ पर देखे, जब उस पर छानबीन करके हम लोग देखे तो इसमें हमको लग रहा है कि लगभग लगभग 15-20 बोरा का जो चावल है वो सड़ा हुआ चावल पानी से बरामद हुआ है। अब इस पर हम लोग को कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जबकि बोरा जो मार्का है वो सरकार के द्वारा जो प्रदत्त चावल होता है वही बोरा ये है। अभी चावल कहाँ से आया कैसे?